नमस्ते एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न एजेंट एग्जामिनेशन 2010 पेपर 2. काइंडली हैव अ लुक एट द इंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, काइंडली पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए. ये क्वेश्चन है अबाउट फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जो होगा एज पर सेक्शन 9 विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन. जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है अबाउट द नंबर ऑफ क्लेम्स एंड पेजेस. काइंडली सी द फर्स्ट शेड्यूल, वहाँ पे दिया गया है. आंसर ऐसे मैंने नीचे लिख रखा है, काइंडली हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके पढ़ लीजिए. इसमें यूएस में एप्लीकेशन फाइल होता है, उसके बाद यूएस में ही पीसीटी एप्लीकेशन फाइल होता है. अब उनको इंडिया में फाइल करना है नेशनल फेज में. एक पीसीटी का पीडीएफ अवेलेबल है ऑन द आईपी इंडिया वेबसाइट, काइंडली डाउनलोड करके पढ़ लीजिए. वहाँ पे एक टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम है वो 31 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी और द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग. आंसर मैंने दे रखा है, इसी के ऊपर बेस करके हमें लिखना है सारा आंसर शीट में. क्वेश्चन नंबर 3, काइंडली पढ़ लीजिए इसको. ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आंसर लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 57. जो सेकेंड पार्ट है उसमें 57(4) में है आंसर इसका. जब पब्लिकेशन होगा उसके 3 महीने के अंदर नोटिस ऑफ ऑपोजिशन आ सकता है, कोई भी नोटिस ऑफ ऑपोजिशन भेज सकता है. जो थर्ड पार्ट है वो है एज पर सेक्शन 54 पैटर्न ऑफ एडिशन के ऊपर लिखना है हमें. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, काली क्वेश्चन पढ़ लीजिए. जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लाइसेंसिंग के ऊपर है. हमें आंसर लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 69 और रूल 90 और फॉर्म 16 में हमें अप्लाई करना पड़ेगा. आते हैं पार्ट बी की तरफ. बी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें 5 क्लेम्स ड्रॉ करना है, एक टाइटल लिखना है एंड द सुइटेबल एब्स्ट्रैक्ट. तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है और अंडरलाइन करना है. जो क्लेम्स का पार्ट है उसको क्लेम्स लिखते जाएंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है उसको एब्स्ट्रैक्ट लिखते जाएंगे. पढ़ते वक्त ही हमें अंडरलाइन करना है. देख लीजिए इन्वेंशन. पढ़ते वक्त ही मार्क कर लेना है सारा कुछ, ताकि लिखते वक्त कोई दिक्कत ना आए हमें. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें भी हमें सेम करना है, हमें लिखना है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जो कि लिखेंगे एज पर फॉर्म 2, और पढ़ते वक्त ही सारा कुछ मार्क करते रहेंगे हम लोग. पॉज करके पढ़ लीजिए. हमें लिखना है एज पर फॉर्म 2, सैंपल फॉर्मेट है ये सिर्फ दिखाने के लिए. शेड्यूल में दिया गया है फॉर्म, वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास डायरेक्ट है तो. फाइनली ये क्वेश्चन पेपर का एंड है. चैनल नया है इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया हूँ मैं 2018, 16 और 13 देख लीजिए, जहाँ पे मैंने बताया है इन डिटेल्स में कैसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाना है, क्लेम्स कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बता रखा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.